काली शराब स्वीकार करने वाली देवी कहने पर महुआ मोइत्रा को उन्हीं की पार्टी ने घेर लिया। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को दिया मुंहतोड़ जवाब। दरअसल बीती 2 जुलाई को काली नाम की एक डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में हिंदू देवी काली सिगरेट पीती दिख रही है। ये देखने के बाद डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली लीना मणि मेकलाई को गिरफ्तार करने की मांग होने लगी। ऐसा करने वाले लोगों ने कहा कि ये पोस्टर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत कर रहा है। बवाल के बीच मंगलवार 5 जुलाई को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में बोलते हुए कहा, मेरे लिए काली मांस खाने वाली शराब स्वीकार करने वाली देवी है। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की आज़ादी है। कुछ जगहों पर देवी देवताओं को विस्की अर्पित की जाती है और कुछ जगहों पर ये घोर पाप है। टीएमसी सांसद ने आगे कहा, आप जब सिक्किम जाते हैं तो देखते हैं कि वहां देवी काली को भेंट में विस्की दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाए और वहां काली को विस्की भेंट करने की बात कहे तो वे इसे ईश निंदा कहेंगे। ये कमेंट करके महुआ मोइत्रा राजनीतिक विरोधियों और उनके समर्थकों के निशाने पर तो आई ही, साथ ही उनकी अपनी पार्टी टीएमसी ने भी उन्हें घेर लिया। मंगलवार शाम को टीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, महुआ मोइत्रा ने जो बातें कही और देवी काली पर अपनी राय दी वो उनका निजी विचार है। पार्टी किसी भी तरह से उनका समर्थन नहीं करती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करती है। उधर बीजेपी देवी काली के बारे में महुआ मोइत्रा के बयान की आलोचना कर उनके खिलाफ लीगल एक्शन की मांग कर चुकी है। बंगाल में बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी हमेशा ही हिंदू धर्म का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी मोइत्रा के खिलाफ उसी तरह एक्शन लेंगी जैसे बीजेपी ने पैगंबर टिप्पणी मामले में अपनी पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ लिया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार आलोचना के बाद सांसद महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके लिखा, मैं एक काली उपासक हूँ, मैं किसी चीज से नहीं डरती, आपके अज्ञानी लोगों से नहीं, आपके गुंडों से नहीं, आपकी पुलिस से नहीं और निश्चित रूप से आपके ट्रोल से भी नहीं। सत्य को बैकअप बलों की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्वीट करके लिखा, बहुत खूब, इस महिला की आवाज़ को हमारा फुल सपोर्ट है। वहीं माधव शर्मा नाम की ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके लिखा, वो बहुत अच्छी है, इसलिए है क्योंकि उन्होंने करोड़ों हिंदुओं और माँ काली का मजाक उड़ाया है। हर दिन आपका स्तर कितना गिरता जा रहा है स्वरा, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहे।